थैंक यू रविंदर अरोड़ा जी, मेरे गुरु जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। बल्ले बल्ले रॉकिंग रेनेटर्स, मैं डॉक्टर जसवीर सिंह चंडीगढ़ से। आज हम शेयर करेंगे कि इस पेंडेमिक में जब लोग डरे हुए हैं तो हम कॉन्फिडेंट होके इसको कैसे फेस कर सकते हैं, अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, अपने बिजनेस के साथ साथ एक और अपॉर्चुनिटी आपदा में अवसर को कैसे देख सकते हैं। और एक नहीं, हमारी मिशन है 1 मिलियन स्माइल के अगले 5 साल के अंदर हमने 10 लाख लोगों के चेहरे पे खुशी लानी है, फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करके। आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज हमारा 2 चीजों के ऊपर बात रहेगी। पहले प्रोडक्ट के बारे में, इलेस इज ए चॉइस नॉट ए चांस। अगर आप बीमार हुए हो तो आप अपनी गलतियों से हुए हो, ये कोई चांस से बीमार नहीं हो गए। और दूसरा है कि हम मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, पैसा पेड़ों पे लगता है, पहले कहते थे कहीं नहीं लगता, आज हम कहेंगे कि रेनेटर्स के माध्यम से पैसा पेड़ों में कैसे लगता और कैसे उगता है और कैसे मल्टीप्लाई होता है। जैसे एक आम बीज से कितने आम आते हैं, ऐसे ही रेनेटर्स से आप कितने लाखों रुपए कमा सकते हो। तो मनी ग्रोज ऑन ट्री, वो हमारा 7th पार्ट होगा बिजनेस प्लान के ऊपर। मैंने 20 साल बैंक में जॉब की, उससे पहले बीकॉम, एमए, एलएलबी, सीए भी बहुत पढ़ाई की, पर जब से मैं रेनेटर्स में आया हूं मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं। रोज सुबह 6:30 पे हमारी जूम मीटिंग होती है, रात को 8 से 9 जूम मीटिंग होती है। तो मैंने ये एक जूम मीटिंग के नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स पूरे मैंने लिखे हुए हैं, ये कम से कम अगर एग्जाम होता तो ये 10 पेज भर जाते। क्योंकि मैं विद्यार्थी हूं इसलिए मैं जो मीटिंग होती है उसमें नोट्स लेता हूं, और नोट्स लेने के बाद उसको फिर रिपीट करता हूं, फॉलो करता हूं। हम पाठ तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, पर उसको लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते, तो रिजल्ट इंप्लीमेंट से आएंगे। जब मैंने 97 में बैंक से वॉलंटरी रिटायरमेंट ली तो मेरे को बीपी भी था, डायबिटीज भी थी, जॉइंट पेन भी थी, मैं पालकी लगा के गुरुद्वारा साहब में या घर में नहीं बैठ सकता था, तो मेरे को ये प्रॉब्लम थी पेन्स की। और समझ नहीं थी क्यों है, क्योंकि बैंक वाले फाइनेंस को जानते हैं, इन्हें हेल्थ के बारे में मालूम ही नहीं था। और 99 में पीजीआई ने, मेरी पोजीशन ज्यादा खराब होगी, उन्होंने बोला स्टंट डालना पड़ेगा, 3 दिन का समय दे दिया। मैंने स्टंट डलवाने की बजाय सोचा कोई अल्टरनेटिव हो सकता है, तो किसी दोस्त ने बोला कि अमेरिका से साइंटिस्ट आ रहे हैं, डॉक्टर है वर्ल्ड फेमस, आप उनसे मिलो जाके, शायद आपका कोई बचाव हो जाए। तो मैं दिल्ली चला गया, उनसे मीटिंग की, डॉक्टर लॉरेंस मे आए थे यूएसए से, ही वॉज वोटेड वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन यूएसए, अमेरिका में सबसे बेस्ट डॉक्टर का उनको पिछले साल में 99 में अवार्ड मिला था। तो मैंने उनसे मीटिंग ली, ट्रेनिंग ली, समझा, उन्होंने बताया कि सेलुलर न्यूट्रिशन क्या होती है। मैंने पहली बार सुना था कि सेलुलर न्यूट्रिशन क्या होती है, पहले तो न्यूट्रिशन क्या होती है ये नहीं मालूम था, और सेलुलर न्यूट्रिशन क्या होती है, उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को समझाया, मैंने फॉलो किया, अगले 2 से 3 महीने में मेरी सेहत इंप्रूव होनी शुरू होगी, मेरी मेडिसिन बंद होनी शुरू होगी, सन 99 की बात कर रहा हूं। और फिर मैंने जब ये देखा कि यार ये तो मैं स्वस्थ हो गया, मैं ठीक हो गया, ये तो बिजनेस भी बड़ा अच्छा है, तो मैंने रिटायरमेंट लिए, मैंने फिर उस कंपनी में काम किया और 1 साल में 36 लाख रुपया अर्न भी किया। वो MLM की पावर मेरे को समझ आ गई, उसी पैसे से मैंने बच्चों को फॉरन की एजुकेशन दी और बहुत कुछ बनाया, और मेरी सोच बड़ी हुई, एक कुएं के मेंढक से मेरी सोच समुंदर जैसी होनी शुरू होगी। तो एक अच्छी सेहत भी मिली, अच्छा पैसा भी मिला, और उस चीज को, मिशन को मैं आगे लेके जाता रहा। मैं हेल्थ के साथ पिछले 21-22 साल से एसोसिएटेड हूं, और आज मेरी 65+ की एज है, परमात्मा का शुक्र है, मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता है। प्रभु तेरा बहुत बहुत शुक्र, तूने एक अच्छी सेहत दी है, परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्र, तूने एक अच्छा परिवार दिया है, परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्र, तूने एक अच्छा बिजनेस रेनेटर्स के माध्यम से दिया है, परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्र, तूने गुटेज जी जैसे विजनरी आदमी के ग्रुप में हमें डाला, तूने रविंदर अरोड़ा जी, राज अरोड़ा जी की रहनुमाई हमें दी। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे पार्टनर मिस्टर आरपी सिंह जी का, मोहाली वाले, जिन्होंने शुरू में बोला कि हम कंधे से कंधा मिला के इस बिजनेस को ज्वाइंटली एज ए पार्टनर करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं सारी टीम का, JSK की, जो हमारे साथ काम कर रही है,
मैं शुक्रगुजार हूँ रेलटस के हर नोमियंस का, हर डिस्ट्रीब्यूटर का जो इस रेलटस की मिशन को पर्सन बाय पर्सन, सिटी बाय सिटी, स्टेट बाय स्टेट, इसको घर घर तक बेरोजगारी और बीमारी को दूर करने के लिए जिन्होंने ये टीचा लिया हुआ है, ये टारगेट बनाया हुआ है। तो हम बात सबसे पहले करते हैं, इलनेस इज बाय चॉइस नॉट बाय चांस। बीमारी हमारी इच्छा से आई है, चांस से नहीं आई। व्हाट मेल्ट इन द माउथ, जो आप मुंह में डालते हो, दैट स्वेल्स इन द स्टोमिक, वो पेट में जाके फूल जाता है। हम कार लेते हैं, कार के अंदर बढ़िया पेट्रोल डालते हैं, बढ़िया मोबाइल ऑयल डालते हैं, बढ़िया इंजन ऑयल डालते हैं और उसको रेगुलर सर्विस कराते हैं, सफाई कराते हैं, तो वो कार जो आदमी मेंटेन करता है उसकी वर्कशॉप में बहुत कम विजिट होती है और रिपेयर के लिए बहुत कम वहां पार्क होती है वर्कशॉप में। ऐसे ही हमारा बॉडी है, इसको क्या क्या चाहिए, दिल को क्या चाहिए, दिमाग को क्या चाहिए, पेट को क्या चाहिए, लिवर को क्या चाहिए, अगर हम इस चीज का ज्ञान ले लें, उसको फॉलो कर लें, तो हम भी स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। जैसे मैं 21 साल से मैं जी रहा हूं। कहते हैं जी हवा बड़ी प्रदूषित है, पानी बैक्टीरिया वाला है, हालात खराब हैं, खाने में पेस्टिसाइड्स हैं, नेगेटिव थिंकिंग हमारे यहां पे है, इन चीजों में नहीं है। इसी चंडीगढ़ में मिल्खा सिंह जी 95 साल के हो गए, आज तक दवाई नहीं खा रहे। इसी चंडीगढ़ शहर में एक लेडी मान कौर 103 साल की है, जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ले रही है। आज कितने लोग हैं 70-80-90 के हैं, स्वस्थ हैं। यार हवा तो उनके लिए भी प्रदूषित है, पानी उनके लिए भी प्रदूषित है, खाना उनके लिए भी पेस्टिसाइड वाला है, पर उन्होंने अपने मुंह के ऊपर ताला लाया हुआ है, कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है। तो मत निकालो हवा में दोष, मत निकालो खाने में दोष। आपने जो चीज खाया है उसको कैसे यूटिलाइज करना है और चीज से गंद कैसे निकालना, आपको ये सीखना पड़ेगा। आज मैं आपसे ये रूबरू हो रहा हूं इस बात को क्लियर करने के लिए, शेयर करने के लिए। हमारा 2000 साल 5000 साल से जो आयुर्वेदा कहता है कि हमारे खाने में 80% खाना एल्कलाइन होना चाहिए और 20% खाना एसिडिक होना चाहिए। एल्कलाइन में 80% सलाद फ्रूट में आ जाता है, ड्राई फ्रूट, और 20% में रोटी, चावल, चाय, समोसा, पकौड़ा, वड़ा पाव, इन चीजों में जो है ये सारा एसिड में आ जाता है। तो बेसिक पर्पज क्या है कि जब हम एल्कलाइन लेते हैं ये हमारे बॉडी की क्लींजिंग करता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन सही रखता है जिससे बॉडी ठीक रहती है। अगर हम एसिडिक खाना खाते हैं तो ये हमारे बॉडी की आर्टरी को स्टिफ करता है, हार्ड करता है, ब्लॉक करता है, जिससे खून की सप्लाई सही नहीं होती और उसके कारण हमारा ऑक्सीजन न्यूट्रिशन बॉडी को पहुंचता नहीं है, चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, कभी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, पीठ में प्रॉब्लम है, पेट्रोल की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके बॉडी के चैनल ब्लॉक किए हैं एसिड फूड ने और उसके कारण ये ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच रही। जब नहीं पहुंच रही वो ऑर्गन चीखे मार रहा है जिसको हम पेन कहते हैं, और जिस दिन उस ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई मिलनी शुरू होगी वो ऑर्गन ठीक हो जाएगा। ये तो हमारी समस्या का समस्या है, पर क्वेश्चन है कि हमने करना क्या है। हमें अपने खाने में आज से रात को खाने से पहले एक सलाद की प्लेट खानी है या फ्रूट की प्लेट खानी है। सुबह हम जब ब्रेकफास्ट करते हैं हमारे स्वभाव में होता है परोठी खा लो, ये खा लो, तो तब सुबह एक प्लेट फ्रूट की खाओ या सलाद की खाओ, वो जो सीजन का सबसे सस्ता है। दोपहर को फ्रूट सलाद खाओ, उसके बाद रोटी चावल खाओ। तो सारे दिन में अगर 80-20 नहीं कर सकते मेरे दोस्त, 50-50 कर ले, कुछ तो फर्क पड़ेगा, और धीरे धीरे बढ़ा लेना। कहा जाता है सुबह खाना राजे का, दोपहर को वजीर का, रात को फकीर का। रात को रोटी मत खाओ ना, चावल मत खाओ ना, सलाद खा लो, फ्रूट खा लो, कर सकते हो ना। ये हमने भी बोला, ये पुराना चल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी ये जो बॉडी है, वी आर ऑथर ऑफ आवर ओन बॉडी, हम अपने शरीर के ऑथर है, लिखता है। तो इस शरीर में आपने 160 साल जी सकते हो, ये इंटरनेशनल रिसर्च है हेल्थ के ऊपर। एक आम आदमी की उम्र 160 साल हो सकती है। मैं लेक्चर करता हूं जगह जगह पे, हाउ टू लिव 100 इयर्स विदाउट मेडिसिन, बिना दवाई के कैसे आप 100 साल जी सकते हो। स्वामी कल्याण देव जी जयपुर से 141 साल के होके पूरे हुए आज से 5 साल पहले, और 132 साल की उम्र में वो हज में गए थे मक्के।
स्वामी कल्याण देव सॉरी स्वामी हबीब मियां जी गए थे जयपुर से मक्का, स्वामी कल्याण देव जी मुजफ्फरनगर यूपी से 125 साल की उम्र में इनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था सोशल सर्विस का, गरीब बच्चों के स्कूल खोलने का, 128 साल में पूरे हुए। एक बीसी पंजाब में लेडी थी जो 135 साल में जिनकी डेथ हुई है। यार ये 128, 135, 141 साल के जा रहे हैं, तो हम सेंचुरी क्यों नहीं मार सकते, हम 100 साल क्यों नहीं जी सकते? पर हमें इसको 100 साल के लिए वैसा खाना खाना होगा, वैसे विचार रखने होंगे, वैसी सोच रखनी होगी। अगर आपकी सोच सही है, आपके विचार सही है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम वो चीज कहां से मिलेगी। हमारा जो रेनेटस नोवा का मिशन है, जिस धारणा से, जिस भावना से इसको स्टार्ट किया गया है, वो इसी भावना से रिसर्च की गई है कि हम जो लोगों के बॉडी एसिडिक हो गए हैं, क्योंकि मेडिसिन भी एसिडिक है, तो इसको एल्कलाइन कैसे किया जा सकता है। तो रेनेटस के फाउंडर ने यूएसए में ये स्ट्रेटजी बनाई कि हम कोई ऐसा कम्युनिकेशन लेके आए जो वर्ल्ड का बेस्ट हो, यूनिक हो, और जो लोगों को स्वभाव में है फास्ट फूड, एक फास्ट कैप्सूल दे रहे हैं जो मल्टीपल फूड्स का कम्बिनेशन हो, जो अंदर जाके बॉडी के चैनल्स को खोलना शुरू कर दे, और उससे उनका जो बॉडी एल्कलाइन हो जाए, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, बॉडी के अंदर वात पित्त का बैलेंस हो जाए, बॉडी रिजुविनेट हो जाए, उनमें स्ट्रेंथ स्टेमिना एनर्जी आ जाए, और आदमी जिंदगी दोबारा जीनी शुरू कर दे। इस सोच, इस विचारधारा से रेनेटस नोवा प्रोडक्ट के ऊपर वर्क किया गया। 6 साल यूएसए में उसकी रिसर्च की गई। रिसर्च करने के बाद इसके 198 क्लिनिकल ट्रायल्स हुए 9 के 9 प्रोडक्ट के, और 9 चीजों का कम्बिनेशन बनाया गया जिसका नाम है रेनेटस नोवा। रविंदर जी पीपीटी शेयर करना इसकी। तो रेनेटस नोवा एक सोच, एक विचारधारा का रिजल्ट है, और उन वर्ल्ड के 9 बेस्ट इंग्रेडिएंट्स लेकर, वर्ल्ड के 9 बेस्ट प्रोडक्ट लेकर उनको 6 साल यूएसए में रिसर्च कराया गया कि इनकी आपस में कंपेटिबिलिटी क्या है। कहा जाता है कि मच्छी के साथ दूध पियोगे तो फुलवेरी हो जाएगी, ल्यूकोडर्मा हो जाती है, भिंडी के साथ करेला नहीं खाना, दही के साथ खट्टी चीज नहीं खानी, ये नेचुरोपैथी ये कहती है। तो अगर ये 9 चीजें हैं, ये क्या करेंगी? ये बेसिकली आपके अंदर जो सिस्टम है उसको सेट करेंगी। अगर ये चीजें अंदर जाके काम करती हैं, कंपेटिबिलिटी शो करती हैं, अच्छे रिजल्ट देती हैं, तो आदमी धीरे धीरे उसका बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा और उनके अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं रेनेटस वेलनेस की भावना की और रेनेटस नोवा प्रोडक्ट की। तो रविंदर जी जरा पीपीटी शेयर करना जी। तो रेनेटस नोवा में 9 प्रोडक्ट्स लिए गए, 9 इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं। सबसे पहला इनका जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन सिंगापुर थाईलैंड का फ्रूट है, इसे क्वीन ऑफ फ्रूट्स कहते हैं। इसमें कुछ ऐसे जेनोथेंस पाए गए हैं, टोटल 43 जेनोथेंस हैं इसके अंदर, और 3 जेनोथेंस बेसिकली कैंसर किलिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, इसे क्वीन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये सुंदरता में काम करता है। ये एंटी एजिंग है, आपकी स्किन का ग्लो, आपके अंदर की एज को ये बढ़ने नहीं देता और आपको हमेशा जवान रखता है, इसीलिए इसको क्वीन ऑफ फ्रूट्स कहा गया सिंगापुर में। बीपी के ऊपर इसके अच्छे रिजल्ट हैं, डायबिटीज के ऊपर अच्छे रिजल्ट हैं, एलर्जी के ऊपर अच्छे रिजल्ट हैं, इसमें डाइजेशन के ऊपर अच्छे रिजल्ट हैं, और ये इसका जो छिलका है, इसके छिलके में 43 जेनोथन्स हैं जिसमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 की कैंसर किलिंग प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए इसे क्वीन ऑफ फ्रूट्स कहा गया। तो ये हमारे नवरत्न में से एक इंग्रेडिएंट है। इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है मक्का रूट। मक्का रूट पेरू जो यूएसए में है, पेरू की जिनसंग है जो 16,000 स्क्वायर फीट में बर्फ के अंदर पैदा होता है,
इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, जो हमारी मसल्स है, मांसपेशियां हैं, उनको मजबूत करना, हड्डियों को मजबूत करना, इसमें नेचुरल आयोडीन कंटेंट्स बहुत हाई है, जिसके कारण थायराइड के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, घुटनों के अर्थराइटिस के बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और ये खास करके इम्पोटेंसी मेल फीमेल दोनों में वर्क करता है, स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है, स्पर्म की फॉर्मेशन करता है, फीमेल इनफर्टिलिटी में जहां पे कोई चैनल ब्लॉक है ये चैनल खोलने में हेल्प करता है, ये डॉक्यूमेंटेड है, बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है, और इससे वंडरफुल जिंसेंग। नेक्स्ट इज साइबेरियन जिंसेंग। रशिया, चाइना, इनकी जो हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं सभी में इसको डाला जाता है। इसकी शक्ल ह्यूमन जैसी है, आदमी औरत जैसी है, और जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ओलंपिक के या नेशनल प्लेयर हैं, सभी इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये स्टेमिना बढ़ाने में काम करता है, ये ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाता है, खास करके कोरोना में जिसकी जरूरत है, ये बेसिकली नर्वस सिस्टम पे काम करता है, जिसको नींद नहीं आती उनके लिए ब्लेसिंग है, जिनको टेंशन है उसके लिए ब्लेसिंग है, किसी को माइग्रेन है उसके लिए ब्लेसिंग है, डायबिटिक पेशेंट की एनर्जी के लिए ब्लेसिंग है, बीपी को स्मूथ करता है, साउंड करता है, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, और इसमें डीएनए को रिपेयर करने की ताकत है। मक्का रूट और साइबेरियन जिससे दोनों डीएनए को चेंज करने की ताकत रखते हैं, इतने पावरफुल है। नेक्स्ट इज एल्डरबेरी। एल्डरबेरी प्राइमरली एक पावरफुल प्रोडक्ट है, जिसका मेन काम एलर्जी, अस्थमा, डायबिटीज में काम करना है। ये बॉडी को एल्कलाइन भी करता है, और इसके मेजर जो जो अस्थमेटिक पेशेंट है, कोल्ड है, फ्लू है, उन पे ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसमें कैंसर किलिंग प्रॉपर्टीज हैं, और किसी को वीट एलर्जी है, मिल्क एलर्जी है, उसमें ये ब्लेसिंग प्रूव हुआ है। किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, ये उसके लिए ब्लेसिंग प्रूव हुआ है, डायबिटीज में, हार्ट में, इन्फेक्शन में, इट्स ए ब्लेसिंग। और खास करके इन दिनों में अगर आपको ये कहीं से राह मिल जाती है, मतलब कहीं फ्रूट मिल जाता है एल्डरबेरी का, इसका खाओ जितना खा सकते हो। नेक्स्ट इज रसबेरी। रसबेरी यूएसए और जापान का प्रोमिनेंट फ्रूट है। इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा है, विटामिन ई, ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड्स, जो हार्ट के लिए, बीपी के लिए, लिपिड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जापान में इसका सेवन करते हैं उम्र बढ़ाने के लिए और स्किन के ग्लो के लिए, और बहुत यूज किया जाता है इसको, और ये आईज के ऊपर भी वर्क करता है, और हमारे ब्लड वेसल्स में भी वर्क करता है, फर्टिलिटी में भी काम आता है, और इसमें से वेट लॉस के रिजल्ट भी मिले हैं, और इसमें कैंसर किलिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ब्लैक करंट। ब्लैक करंट, इसे काली किशमिश भी बोलते हैं। प्राइमरली जिस लेडीज को खून की कमी है, जैसे इंडिया में 80% औरतें अनिमिक हैं, तो जिनमें खून की कमी है, ये उनके लिए ब्लेसिंग है। अगर लेडीज को लुकोरिया की प्रॉब्लम है, उसके लिए ब्लेसिंग है। लेडीज को हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसके लिए ब्लेसिंग है। लेडी को पीओसीडी है, उसके लिए ब्लेसिंग है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है। और बीपी में, डायबिटीज में, अर्थराइटिस में, आईज के में, और इसमें भी कैंसर किलिंग प्रॉपर्टी है, और इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। और जो खास करके कोरोना के दरमियान, क्योंकि ये ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, आयरन का भंडार है, तो ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाता है ब्रेन को, जो कोरोना में खास करके ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए ब्लैक करंट ब्लेसिंग है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सोर चेरी। ये विटामिन सी का भंडार है, आमले से कहीं गुना ज्यादा इसमें विटामिन सी है, और जिसको लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, ये उसमें ब्लेसिंग का काम करता है, और ये बेसिकली अर्थराइटिस के लिए बड़ा अच्छा है, गॉर्ड्स के लिए बड़ा अच्छा है, बॉडी पेन के लिए बड़ा अच्छा है, और किसको स्लीप डिसऑर्डर है उसमें ये ब्लेसिंग प्रूव की इसने, और ब्रेन पावर में बड़ा यूजफुल होता है। नेक्स्ट आ गया जी गैनोडर्मा। ये सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, इन कंट्रियों में इसे पूजा जाता है। 200 से ज्यादा बीमारियों में ये वर्क करता है। ये बीमारियां ठीक नहीं करता, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, सिर के बालों से लेके पैर के नाखून तक ये क्लींजिंग करता है, और क्लींजिंग करके बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, और बॉडी को बैलेंस करता है, और बॉडी का एनर्जी लेवल इंप्रूव करता है। तो इससे लगभग कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वायरल है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, डायबिटीज है, यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम है, ये हार्ट की प्रॉब्लम है,
लिवर की प्रॉब्लम है, लिवर के लिए ये वरदान है, ब्लेसिंग है, बहुत पावरफुल है, इट्स ए ब्लेसिंग। नेक्स्ट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन मिरेकुलस ट्री गायनो सिगड़ू, जिसे मुरिंगा कहते हैं, हिंदी में सहजना भी कहते हैं, पंजाबी में से सुहांजना भी कहते हैं। रिसर्च ये हुई है कि 300 से ज्यादा बीमारियों में ये काम करता है। जो तीन दोष होते हैं बॉडी के, वात पित्त कफ, उसको बैलेंस करने में काम करता है ये। और इसमें इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, बॉडी के हर ऑर्गन ये काम करता है। मैंने इस कंपनी की जो जर्नल था, रिसर्च बुक थी, वो मंगवाई, जो 198 ट्रायल हुए थे। जब मैंने उसको स्टडी किया, 7-8 बार मैंने उस रिसर्च बुक को स्टडी किया काम शुरू करने से पहले, भी कहीं मेरे से कोई गलत काम ना हो जाए, किसी गलत को प्रोडक्ट ना दिया जाए। काम तो मेरे को ये राइट नहीं है कि मैं किसी की हेल्थ के साथ प्ले करूं, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपने परिवार को देना था, फिर लोगों को देना था। जब मैंने सिगड़ू को स्टडी किया, तो उस रिसर्च बुक में, जो एंटर्स ने रिसर्च बुक कराई, उसमें लिखा था कि इसमें सिगड़ू के अंदर जो कैल्शियम है, विटामिन सी है, वो ऑरेंज से 7 गुना ज्यादा है। जो पोटाशियम है वो केले से 10 गुना ज्यादा है। इसमें विटामिन ए गाजर से, कैरेट से 15 गुना ज्यादा है। इसमें जो आयरन है वो पालक से, स्पाइनच से 25 गुना ज्यादा है। इसमें जो प्रोटीन है वो दही से 9 गुना ज्यादा है। प्लस मैग्नीशियम, मैगजीन, क्रोमियम, जिंक, बहुत कुछ है इसके अंदर। अकेला सिगड़ू ही पावरफुल है, और मार्केट में आपको मोरिंगा के कैप्सूल मिलते हैं, ये अकेला इंडिया का पावरफुल, सभी 8 के ऊपर हैवी है। मेरे दोस्त, अगर एक इतना पावरफुल है इंग्रेडिएंट, तो बाकी 8 क्या करेंगे? और जब ये 9 इकट्ठे हो जाएंगे, नवरत्न बन जाएगा, तो ये बॉडी में कैसे वर्क करेगा? अब ये समझो बॉडी में वर्क कैसे करता है। हमने एक, हमें सिर दर्द हो रही थी, जब हमारे अपने चक्कर आ रहे थे, तो हमने डॉक्टर के पास गए, उसने एक मेडिसिन दे दी, भी ये खा लो। हमने गोली खाई, गोली पेट में चली गई। अब दर्द सिर के ऊपर हो रही है, तो पेट में कैसे काम का होगा जी? क्या होता है, वो टेबलेट पेट में जाके डिजोल्व होगी, डिजोल्व होने के बाद वो ब्लड के अंदर चली गई। हमारे बॉडी के अंदर 8 लीटर खून है एक एवरेज आदमी के अंदर, पर जो ब्लड सर्कुलेशन करता है वो 8,000 लीटर करता है। तो वो मेडिसिन खून के अंदर चली गई, तो हमारे 106 ऑर्गन है, तो वो खून उन सभी में घूम रहा है। तो जिस ऑर्गन को वो चाहिए था, वो उसमें से निकाल लिया, सिर दर्द वाले निकाल लिया, सिर दर्द ठीक होगी, 15-20 मिनट में हमारा फर्क पड़ गया, क्योंकि सर्कुलेशन 24 घंटे हो रही है। अब जब बॉडी के अंदर 9 चीजें चली गई और ये ब्लड के अंदर चली गई, तो जैसे ये ब्लड में सर्कुलेट कर रही है, जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो वहां पे एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, जो आपका एरोप्लेन से सामान निकलता है उसके ऊपर डला होता है, वो घूमती रहती है, घूमती रहती है। कब तक? जब तक आदमी अपना सामान उठा ना ले। ऐसे ही ये 9 की 9 चीजें जब आपके अंदर चली गई, तो अंदर जाके ये सारी स्कैनिंग कर रही है कि किस किस ऑर्गन को क्या क्या प्रॉब्लम है, और जो चैनल ब्लॉक है ये चैनल को खोलती जा रही है। अब आप ये समझ के चलो, मैं एक इंपॉर्टेंट बात करता हूं, कि अमेरिका में 6 साल रिसर्च हुई है और उसकी रिसर्च का मायना रखता है। अमेरिका कितना साइंटिफिक, कितना परफेक्ट, इतनी प्रिसीजन पे काम करता है। इसकी एक लाइव एग्जांपल है, 2011 में वहां की एक कमांडो आर्मी, जिसका नाम है सील, सी एयर लैंड नेवी कमांडो, उन्होंने ओसामा बिन लादन को पाकिस्तान में ढूंढ के 40 मिनट के अंदर उन्होंने एक्शन कर दिया और उसकी बॉडी उठा के ले गए, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद 40 मिनट के अंदर। ये परफेक्शन है अमेरिका की। हमारा जो रिलेटिव है, 6 साल अमेरिका में रिसर्च हुई है, ये अंदर जाके कहां कहां उग्रवादी छुपे हैं, कहां कहां प्रॉब्लम है, कहां कहां चैनल ब्लॉक है, ये 9 के 9 बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। आप देखते हो ना, दिवाली में हम आतिशबाजी छोड़ते हैं, छोड़ते तो एक है, तो ऊपर जाके ये 9, 10, 20 कलर निकालती है। ऐसे ही हम कैप्सूल, हमने सुबह 2 खाए, अंदर जाके ये अपना काम कर रहे हैं आतिशबाजी की तरह, ये सील कमांडो की तरह अंदर जाके काम कर रहे हैं। इसीलिए लोगों के, मेरे को तो 10 दिन के अंदर फर्क पड़ गया, मेरे तो दर्दें ठीक होनी शुरू होगी, मेरे घर में बच्चा होने वाला है, मेरे घर में तो ये खुशी आ गई, मेरा बीपी ठीक हो गया, मेरी शुगर ठीक होगी, मेरे घुटनों की दर्द ठीक होगी। ये कोई मैजिक नहीं है, इसने अपना काम किया। फिर मैं आपको ये एक स्टेचुरी वार्निंग देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कि कभी मत बोलो कि हमारा प्रोडक्ट 600 बीमारी ठीक करेगा। नहीं,
कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का, किसी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट कोई बीमारी ठीक नहीं करता, ये बीमारी के काज को ठीक करता है। बीमारी हुई क्यों? अगर आपका पेट ठीक नहीं है, चैनल ठीक नहीं था, आपने पेट की साफ किया, बीमारी ठीक होगी। तो ये डायबिटीज बीमारी नहीं है, बीपी बीमारी नहीं है, चैनल ब्लॉक थे, खून सप्लाई नहीं हो रही थी, इसने ठीक कर दी। तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट किसी बीमारी को ठीक नहीं करता, पर 600-700 बीमारी जो बॉडी के अंदर है जिसके कारण हुए हुई थी, ये उस कॉज को ठीक करता है और आदमी हेल्दी हो जाता है। तो ये अंदर जाके हमारे सिस्टम को सेट कर रहा है कि जिसके कारण लोग स्वस्थ हो रहे हैं। और इतनी टेस्टिमनी है, यूट्यूब भरी पड़ी है, किसी के ब्रेस्ट कैंसर के रिजल्ट आ गए, किसी के कैंसर के आ गए, किसी के बीपी के आ गए, किसी के शुगर के आ गए, सोचा भी नहीं था इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। थायराइड के इतने रिजल्ट है, बच्चे वीट एलर्जी के जो कनक नहीं खा सकते कितने सालों से, आज सैकड़ों बच्चे रोटी खानी शुरू हो गए हैं इसके कारण से, जो कि मैजिक नहीं है। ये 6 साल यूएस में साइंटिफिक रिसर्च हुई है जिसके कारण लोग स्वस्थ हो रहे हैं। और ये हमारा कैप्सूल सिर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक की क्लींजिंग करता है। एक गुरतेज जी की वीडियो है 4 मिनट 49 सेकंड की, उन्होंने ये 9 की 9 चीजों के ऊपर एक क्रिस्प जी वीडियो बनाई है, उसको जरूर सुनना। क्योंकि अभी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं इसलिए इतना लंबा बोला, वरना मैं 4-5 मिनट से ज्यादा फर्क में बोलते ही नहीं, क्योंकि अभी सारे इंडिया में लगभग 1000 से ज्यादा लोग इसको सुन रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि वो वीडियो सुनो, उसको फॉलो करो, वही आगे बात करो और इसको लो। जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द रिजल्ट, हमारी फिलोसफी यूज के ऊपर डिपेंड करती है। और जो रिजल्ट आते हैं वही आप आगे शेयर कर सकते हो। तो इस प्रोडक्ट के माध्यम से मैंने मिशन बनाई है कि मैंने पर्सन बाय पर्सन, सोसाइटी बाय सोसाइटी, लोकैलिटी बाय लोकैलिटी, सिटी बाय सिटी, स्टेट बाय स्टेट, हमने 2025 तक मैंने 1 मिलियन में 10 लाख लोगों के चेहरे पे खुशी लानी है। और जब उनको दुआ मिलेगी, मेरे को दुआ मिलेगी वो स्वस्थ होंगे, तो मेरा मतलब होगा कि भगवान ने हमें दुनिया में भेजा था, हमने उसका शुक्राना किया, अपनी नॉलेज से मैंने उनको नॉलेज दी। तो ये तो है बेसिकली हमारा प्रोडक्ट, जो हर घर में आज की डेट में जो लोग परेशान है उनके लिए ब्लेसिंग दे सकता है। लेना कैसे है? एक कैप्सूल सुबह एक शाम को गर्म पानी के साथ, उसके बाद 1 घंटा कुछ नहीं लेना, 1 हफ्ते के बाद इसको 2 सुबह 2 शाम को कर दो। इसकी एक कंडीशन है कि आपने 10 गिलास पानी पीना है। पानी पियोगे बॉडी डिटॉक्स होगा। अब कौन लोग नहीं ले सकते? अगर किसी का डायलिसिस चल रहा है तो उसको पानी ज्यादा पीना मना है, आप उसको नहीं दे सकते। अगर कोई लेडी फैमिली वे में है, प्रेग्नेंट है, तो उसको आपने ये नहीं देना। अगर कोई लेडी बच्चे को दूध पिला रही है तो आपने उसको नहीं देना। और अगर 10 साल से छोटा बच्चा है तो आपने उसको नहीं देना, क्योंकि उसका पानी पीने का स्वभाव नहीं है। पर अगर किसी बच्चे को वीट एलर्जी है तो 3 साल के ऊपर वाले बच्चे को आप दे सकते हो। एक कैप्सूल को खोल के आधा सुबह आधा शाम को गुनगुने पानी में दे दो और ये उसके प्रभु की कृपा से 1-1.5 महीने में उसको लगेगा। पहले वो आधी रोटी खाएगा, फिर खाएगा और सैकड़ों बच्चे आज वो खाना खाना शुरू हो गए। कितनी बड़ी मिशन है जिसका कोई सलूशन नहीं है, थायराइड का कोई सलूशन नहीं है, ये थायराइड भी ठीक आ रहा है, सब कुछ ठीक आ रहा है। तो ये है हमारा बेसिकली मार्वल्स प्रोडक्ट रैंडस नोवा, जो सारे दुनिया में धमाल डालने जा रहा है। कंपनी ने काफी देर पहले इसका पेटेंट अप्लाई किया था और जैसे ही पेटेंट आ गया, यहां से अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, हर जगह पे इस कंपनी के प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हो जाएगी और हम सभी जाएंगे हर देश के हर आदमी को स्वस्थ करने के लिए। और ये हमारी मिशन है कि ये एक प्रोडक्ट, एक टूल है, इतना पावरफुल टूल है जो लोगों के चेहरे पे खुशी ला सकता है, बीमारी के जंगल से बाहर निकाल सकता है। तो ये बेसिकली पहला सुख नोगी का आया तो हम इसकी बात कर रहे थे, दिस इज अबाउट द प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, मनी ग्रोज ऑन ट्रीज। क्या पैसा दरख्तों पे उगता है? जी हां। आज से 50 साल पहले हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे, हमारे ताना मारते थे और मेहनत कर ले, पैसा दरख्तों से नहीं आता, पैसे मांग रहा है, ये चाहिए, किताब चाहिए, वो चाहिए। क्यों? पहले वो गांव में दरख्त के नीचे बैठते थे, ताश खेलते थे, अब ताश खेलते थे, समय यूज करते थे, तो वो देखते थे ऊपर पेड़ में दरख्त, पैसा थोड़ा आएगा। पर आज पैसा पेड़ों से आ रहा है। हमारा मैंगोस्टीन का पेड़ है, हमारा रसबेरी का पेड़ है, चेरी का पेड़ है, एल्डरबेरी का पेड़ है, सुहांजना का पेड़ है और हमारे डॉलर इन पेड़ों के ऊपर लगे हुए हैं। इन चीजों को, इन सारे पत्तों को, इन फ्रूट्स को, पेड़ों के फ्रूट्स को इकट्ठा करके
एक सिस्टम तैयार किया गया जिसमें से आप जितना मर्जी पैसा करा सकते हो। रेंटर्स ने टेलकम मचा दिया सारे इंडिया में, 45 लाख डब्बी बिक चुकी है पिछले 2.5 साल में, 100 से ज्यादा करोड़पति पैदा हो चुके हैं। तो क्या पेड़ों पे डॉलर नहीं लगे हुए, नोट लगे हुए? रेनेटस ने जितनी सेल निकाली है, जितने अचीवर निकाले हैं, इंडिया में पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अब ये भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, ये धारणा को भी गलत करने जा रही है कि पैसा पेड़ों पे नहीं लगता। रेनेटस ने से प्रूव कर दिया है कि यस, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स के पेड़ है वहां पे पैसे लगते हैं। कितने? सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लगते हैं। क्योंकि उसी पेड़ में से हमारे महागुरु गुरुदेव जी ने 7 करोड़ रुपया निकाल लिया, उतार लिया, 7 करोड़ के फल उतार लिए। ये फल नोटों के हैं। आज महीने का 60 लाख रुपया वो पेड़ों से निकाल रहे हैं। मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, दरख्तों पे पैसा उतर रहा है। हमारा प्रोडक्ट पेड़ों पे है, नेचर के ऊपर है, नेचुरल प्रोडक्ट है हमारे। तो ये आएगा कैसे? सबसे बड़ी बात ये है कि पैसा उतारना कैसे आपने? इसके लिए कंपनी ने एक छोटी सी प्लान बनाई हुई है। ये जो हमारी डब्बी है ये बहुत सस्ती है, ये नो इम्पोर्टेड फ्रूट्स अगर अलग अलग लोगे तो कम से कम ये 10 से 12 हजार के बनेंगे। कंपनी ने रिसर्च करके ये देखा कि इंडिया में हमने ये चीज सस्ते भाव में देनी है। एक इंटरनेशनल कंपनी की मार्केट में कोई नोटा सूर का प्रोडक्ट मिलता है जिसमें 120 टेबलेट है, तो लगभग 2500 रुपए की डब्बी है। तो कंपनी ने देखा कि हम सस्ता कैसे कर सकते हैं, तो इन्होंने ये, उसमें इतना ज्यादा है भी नहीं है, और ये नॉन ग्रेडेड जो है ये डब्बी है 1599 रुपए की, 15490, और 120 कैप्सूल है। तो डेली की डोज अगर 2 सुबह 2 शाम को लेते हो तो ये एवरेज 50 रुपए की पड़ती है। आज इंपोर्टेड फ्रूट्स लेने जाओ ना, 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो, और आपको नॉन इंपोर्टेड फ्रूट्स का इंग्रेडिएंट मिल रहा है मात्र 50 रुपए एक दिन के अंदर। और ये बेसिकली आपकी इंश्योरेंस कर रहा है आने वाले समय में बीमारियों से बचाने के लिए, बीमारियों के चंगुल से बाहर निकालने के लिए। तो 1599 रुपए में 120 कैप्सूल है। अगर आप इसका बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ये डब्बी आपको 1350 रुपए में मिलेगी, 1350 में। तो आपका रिटेल मार्जिन हो गया 199, ठीक है? तो आप एज ए कंज्यूमर भी ले सकते हो, आपको सस्ता मिल गया। और इसकी बिजनेस प्लान है, आज बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, नौकरियां मिल नहीं रही, नौकरी अगर गवर्नमेंट की निकलती भी है तो लाखों रुपए मांगते हैं, अगर बिजनेस स्टार्ट करना तो लाखों रुपए चाहिए, लाखों रुपए लोगों के पास है नहीं। तो ये हमारा बिजनेस मात्र 50,000 रुपए में शुरू होता है, 51,200 रुपए में। आपने करना क्या है, 40 बोतल एक समय में लेनी है, ओके? आपका एटीट्यूड, आपका स्वभाव होलसेलर जैसा होना चाहिए, रिटेलर कम होलसेलर। रेनेटस खाली आपको माल बेचना, सेलमैन नहीं बनाती। ये आपको एक अच्छा नेटवर्कर, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा टीम बिल्डर बनाती है। और अगर आपने इस बिजनेस को काम करना तो आपके पास 40 बोतल का स्टॉक होना चाहिए। 40 बोतल 51,200 रुपए की आएंगी, और ये डब्बी आपको पड़ेगी 1280 रुपए की, 1350 वाली 1280 में मिलेगी। कंपनी ने सिस्टम बनाया हुआ है कि एक बोतल के ऊपर 16 CC दिए हुए हैं। CC मीन्स कमीशन काउंट, जिसके ऊपर कमीशन मिलती है, इसे बीवी भी कह सकते हैं, दूसरी कंपनी में बीवी कहते हैं। तो एक डब्बी के 16 CC हैं, और एक CC की वैल्यू 60 रुपए है कमीशन एंगल से। तो जब आप 40 डब्बी लेते हो कॉमन 200 की, तो इसके 610 CC मिलते हैं आपको कमीशन के लिए। और कंपनी के जो हाईएस्ट कमीशन है वो 16% है। वो आज प्रोडक्ट बेस्ड MLM कंपनी का इंडिया में किसी का 16% कमीशन नहीं है, जो 16% पे हो रहा है जेन्युइनली पिछले 3 साल से। आप कहते हैं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं काम करना चाहता हूं, कंपनी ने एक और ऑप्शन दे दी। कोई बात नहीं, आप बिजनेस कर रहे हो ना, बिजनेस की सोच बिजनेस ही होती है, पैसे की इन्वेस्टमेंट से बिजनेस होता है वैसे नहीं होता, कोई बात नहीं। अब 40 के बजाय 18 डब्बी से शुरू कर ले, अब तेरे को 23,400 रुपया देना है, और 23,400 में आपको जो डब्बी मिलेगी वो मिलेगी 1300 रुपए में, और कमीशन आपको मिलेगी 14%। आप कहते हैं मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है अभी, थोड़े से स्टार्ट करना चाहता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 10 डब्बी से स्टार्ट कर ले भैया, तू काम कर। पर तेरे में आग होनी चाहिए गुटे जी जैसी, तेरे में आग होनी चाहिए राज रोड़ा जैसी, तेरे में आग होनी चाहिए रविंदर रोड़ा जैसी, तेरे में आग होनी चाहिए आरपी सिंह जैसी। अगर ये है तो 10 डब्बी से स्टार्ट कर ले, ये 13,100 में आएगा डब्बी, 1310 रुपए की पड़ेगी, फिर कमीशन देखो 12% मिलेगी।
आप कहते हैं मेरे पास इतने में नहीं है, चलो 6 डब्बी से स्टार्ट कर ले, दो खा लियो, 4 मार्केट में बेच दियो, ये 7900 रुपए में आएगा, कमीशन 10% मिलेगी। कभी भी 4 डब्बी और लेके 10 में चले जाना। आप कहते हैं मेरे पास इतना भी नहीं है, मैं तो पहले 2 डब्बी लेके खाऊंगा, अगर मेरे को रिजल्ट आए फिर काम करूंगा। मेरे दोस्त 45 लाख डब्बी बिक गई, लोग लाखों रुपए कमा गए, इतने रिजल्ट यूट्यूब पे भरे पे। अभी तू ट्राई लेना चाहता है, क्या क्या चैलेंज करना चाहता है, क्या चेक करना चाहता है, चेक कर लेना। हाँ तू 2 डब्बी खाने के लिए ले ले, पर कंपनी कहती तेरा बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। हमने कहा बिजनेस शुरू होगा, पर कमीशन 8% मिलेगी, कहां 40 में 16% कमीशन मिलनी थी, कहां 8% मिल रही है। तो आपने 2 डब्बी ली, रिजल्ट आ गया, और आपने कोशिश क्या करनी है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर 4 डब्बी लेके अब 2 से 6 में चले जाओ, 4 लेके 6 से 10 में चले जाओ, 8 लेके 18 में चले जाओ, और 22 लेके 40 में चल जाओ। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपने अपनी आईडियो 40 में लेके जाना है, ताकि बिजनेस करने का मजा आए, 16% कमीशन। अब आगे बताता हूं इसमें एडवांटेज क्या है। आपने एक एंट्री 40 की लगाई कॉमन 200 की, तो आप 16% पे आ गए थे, एक लेफ्ट में जोड़ा एक राइट में जोड़ा, दो ही आदमी जोड़ने हैं आपने। आपने टीम बिल्ड करनी है, ये मेंबर बनाने का धंधा नहीं है, आप टीम बिल्ड कर रहे हो। आज जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अर्नबैक्सी है, सिप्ला है, उन्होंने टीम बनाई, पहले जनरल मैनेजर, फिर जोनल मैनेजर, फिर एरिया मैनेजर, फिर मेडिकल है, ये टीम है। ऐसे आपने 2 लोग जिंदगी में टीम बनाने हैं, बढ़िया लोग, और 2 बढ़िया ढूंढने के लिए आपको 10 लोग भी चाहिए, में भी मिल सकते हैं, 20 में 50 में मिल सकते हैं, और पहले 2 भी मिल सकते हैं। आपकी सोच सही होनी चाहिए। तो ये कंपनी में 2 आदमी आपने जोड़े, चाली चले कॉमन 201 का कॉमन 200, दूसरी तरफ आपको 5000 रुपया कमीशन आएगी, 5000 रुपीज। और इसमें कंपनी में कोई रीपरचेज नहीं है। दूसरी कंपनियों में हर महीने आपको ऑर्डर डालना पड़ता है, अगर आप रीपरचेज नहीं करोगे कमीशन नहीं आएगी। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी, इंडियन कंपनी की ये पॉलिसी है। इन्होंने सिंपल किया है, ये कंपनी KISS, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट के सिस्टम पे, सिद्धांत पे काम करती है। सिंपल और शॉर्ट हो, 2 आदमी जोड़े, आपको पैसा मिल गया। अब कंपनी के डिफरेंट रैंक है, डायरेक्टर एक्टिव एसोसिएट, फिर आज डायरेक्टर 100, डायरेक्टर 250, डायरेक्टर 500, ऐसे इनके रैंक्स हैं। जैसे आपके नीचे 500 सीसी लेफ्ट, 500 सीसी राइट हो जाता है, तब डायरेक्टर 500 बन जाते हो। तो जैसे आपने 40 की 2 रुपया लगाई थी, 610 हो गए थे, आप डायरेक्टर 500 बन गए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रैंक है। तो इसमें कंपनी आपको 2 प्रोडक्ट देती है फ्री खाने के लिए, भी आप भी खाओ, अपनी फैमिली को भी खिलाओ। पहले आपने शुरू किए थे, अब जो नेक्स्ट खाने हैं वो आपको हम फ्री दे रहे हैं, 3100 के। 5000 कमीशन आ गई थी, 3100 ये आ गया, 8100 रुपये आ गया। और अगर हर हफ्ते सिर्फ आप 2 लोग ही जोड़ते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, वो 2 जोड़े 2 जोड़े, तो आपको 30 से 32 हजार रुपया इनकम आ सकती है। नेक्स्ट हम प्लानिंग करते हैं 1 महीने की, हम ये 1 साल की प्लानिंग करते हैं कि आपने पहले महीने में मात्र 2 आदमी जोड़े, नेक्स्ट मंथ आपने और नहीं जोड़ने। अब 2 आदमी की आपने और आपकी अपने ने हेल्प की कि उनके 2-2 हजार महीने के अंदर, तो जनवरी में 2 जोड़े थे, 5000 मिल गया। फरवरी में आपने उन दोनों की हेल्प की, उनके 2-2 जोड़ दिए, दोनों को 5-5 हजार रुपये आ गए, 2-2 डब्बी आ गई, और आपको 10 हजार रुपये कमीशन आ गई। अब तीसरे महीने में जो आपने जोड़े थे वो, जो उन्होंने जोड़े थे वो, और आप तीनों मिलके तीसरे महीने में उनके 2-2 कर दो, तो आपके 8 लोग हो गए, तो जो आपको मिलेगा 20 हजार रुपया, फिर 40 हजार 80 हजार। तो आपने 2 जोड़े और 3-4 लोगों की अपलाइन, उनको उनके जोड़ रही 2-2, आप नहीं जोड़ रहे, आपने 2 जोड़े जोड़े। हाँ अगर आपके पास ज्यादा है तो आप उनके नीचे डाल सकते हो, कंप्यूटर और मांगता ही नहीं, जा लेफ्ट डालेगा या राइट डालेगा। तो अगर सिर्फ 2 आपने जोड़े, उनकी हेल्प की, उन्होंने 2-2 जोड़े उनको जोड़े, तो 1 साल में आपकी जो इनकम आ सकती है 2.5 करोड़ रुपया आ सकती है, 2.5 करोड़ रुपया 1 साल के अंदर ही। यस ये पॉसिबल है। गुरतेज जी 7 करोड़ रुपया कमा चुके हैं पूरे 3 साल में, ये थ्योरी नहीं हकीकत है। और अगर आप इतना नहीं कर सके, इसका आधे 50% कर सके, तो 1.25 लाख आ जाए, 1.25 करोड़ आ जाएगा। अगर ये मेरे दोस्त पार्ट टाइम में 10% भी करके 3-25 लाख आता है, तो 2 लाख रुपया महीना, समझे, ये थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल है। मैंने 17 अक्टूबर को स्टार्ट किया था, 2020 को पहला चेक 18900 का, दूसरा चेक 14500 का, तीसरा 14800 का, जनवरी 17 को
61,000 का हफ्ते का, और 17 मार्च को 2,01,000, मैं विद्यार्थी हूँ 8वीं कक्षा का, 65 साल की एज है, पर मेरे को मालूम है काम करना है, हमने प्राइम टाइम कहाँ लगाना है। फोकट में घर के कामों में लगाते हो, ये बिस्तरे ठीक कर दो, ये उधर रख दो उधर रख दो, यार ये बिजनेस स्टार्ट किया इसका प्राइम टाइम दो अपना, इसको फोकस करो, रिश्तेदारी बाद में हो जाएगी, यारी दोस्ती बाद में हो जाएगी, गपशप बाद में हो जाएगी, आज अपॉर्चुनिटी है इसको पहचानो, ये आपका प्राइम टाइम मांगता है, आप इसमें कुछ भी कमा सकते हो। 2.5 करोड़ रुपया समझ आता है, कितने ही लोग 100 लोग करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुके 2.5 साल के अंदर, अभी तो गेम शुरू नहीं हुई, अभी तो 2 महीने पहले कंपनी ने सॉफ्टवेयर चेंज किया है, कंपनी आज के 20 साल की प्लानिंग कर रही है, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बना रही है, आपने ज्वाइनिंग में मात्र पैन कार्ड डालना है, कुछ नहीं डालना, वो खुद कंप्यूटर सारा उठा के आपकी आईडी लगा देगा। अभी 4 हमारे पेमेंट गेटवे शुरू हो रहे हैं बैंकों के, अभी तो 3 साल ट्रायल चल रहे थे, और 4 महीने में मेरे को 4 से 5 लाख रुपए इनकम आ गई है, और अभी मैं लर्न कर रहा हूँ, अभी मैं नोट्स बना रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अपॉर्चुनिटी है, इसको पहचानो। कंपनी ने इसके बाद फिर जो ये इनकम आती है, जो मैचिंग इनकम है, सबसे पहली इनकम रिटेल प्रॉफिट, दूसरी जब 1 लेफ्ट 1 राइट करते हैं बढ़ती जाती है, ये हमारी वीकली इनकम 21 लाख रुपए की कैपिंग है, 21 लाख रुपया हफ्ता, 16% कमीशन विद 21 लाख की कैपिंग, इंडस्ट्री में, इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं नहीं है, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में कहीं नहीं है। जैसे हमें पेटेंट मिल गया, वर्ल्ड लॉन्चिंग होगी, दुनिया में चार काम जा देंगे। 21 लाख रुपया वीकली विद 16% कमीशन, ये दूसरी इनकम, मैचिंग इनकम। और ये छोटी इनकम है भैया, तीसरी इनकम तो भी आने वाली है, वो क्या है, वो लीडरशिप जनरेशन बोनस, कि जितने आपने आदमी अपने नीचे जोड़े, वो लीडर जितने मैचिंग इनकम कमाएंगे, बाइनरी इनकम कमाएंगे, तो आपको उसका 10% मिलेगा अनलिमिटेड डेप्थ तक। मान लो आपने ए और बी जोड़े, उन्होंने सी डी ई एफ जोड़े, और 6 की मिला के इनकम 2 लाख रुपया की होगी मैचिंग, तो आपको 20,000 रुपया मिलेगा, उनको उनकी टीम का 10% मिलेगा। मेरा जो 2,01,000 रुपया आया था, उसमें से 1,60,000 रुपया मेरी मैचिंग बाइनरी थी, और 35 से 40 लाख रुपया मेरी जनरेशन इनकम थी। और जनरेशन इनकम कहां से मिलती है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रैंक, उसे एग्जीक्यूटिव रैंक कहते हैं। मैंने पहले दिन ही, पहले हफ्ते में एग्जीक्यूटिव रैंक ब्रेक किया, दूसरे में एग्जीक्यूटिव, तीसरे में एग्जीक्यूटिव। विराट कोहली जब 20-20 खेलने आता है ना, तो बैट कंधे पे रख के आता है, और मैंने पहले ओवर के तीन बॉलों में 3 सिक्सर मार दिए, पहली बार एग्जीक्यूटिव, दूसरी एग्जीक्यूटिव, तीसरी एग्जीक्यूटिव। क्यों, मैं कहता था मैं 10% जनरेशन से शुरू करूंगा टीम के साथ, मैंने वर्किंग करनी है, खर्चे करने हैं, टाइम लगाना है, पर मैं 10% क्यों छोड़ू। पिछले 4 महीने में लगभग 12 बार एग्जीक्यूटिव रैंक ब्रेक कर चुका हूं, 4 बार 5 बार सीनियर एग्जीक्यूटिव ब्रेक कर चुका हूं, और 1 बार रीजनल एग्जीक्यूटिव ब्रेक कर चुका हूं 4 महीने में। लोगों 2-2 साल लग जाते रीजनल जाने में, मैं मात्र 4 महीने में अचीव करके। क्यों, मैं रोज क्लास में बैठ के नोट्स बनाता हूं, मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं, सीखता हूं, फॉलो करता हूं, इंप्लीमेंट करता हूं, सबसे बड़ी बात यह है। और ये एग्जीक्यूटिव रैंक की इनकम जो है, ये बड़ी पावरफुल है, ये रैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रैंक सीनियर एग्जीक्यूटिव, फिर इसका रीजनल एग्जीक्यूटिव, ये 3 हमारे रैंक है। एग्जीक्यूटिव अगर आप 12 हफ्ते में 6 बार कर जाते हो, तो आप 33 करोड़ के रिवार्ड्स में चले जाते हो। कितने, 33 करोड़ के रिवार्ड अलग हैं एग्जीक्यूटिव से शुरू होते हैं। आपको 12 हफ्ते में 6 हफ्ते एग्जीक्यूटिव बनना होगा, तो आपको एक टैब मिलेगा और साथ में 5,000 का कैश मिलेगा। मैं जिसमें मीटिंग ले रहा हूं अभी यूट्यूब की, ये टैब मेरे को कंपनी से मिला गिफ्ट, जिसमें मैं अभी प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक पे अगर आप 12 से 6 बार कर जाते हो, तो एक लैपटॉप प्रोजेक्टर 45,000 का 10,000, ये 6 में से 5 बार मैं कर चुका हूं, और नेक्स्ट वीक 6 बार करके, और मेरा ये जून में लैपटॉप प्रोजेक्टर 45,000 का आ जाएगा, 10,000 कैश भी आ जाएगा। फिर रीजनल 6 बार करूंगा तो 50,000 की एलईडी और साथ में 50,000 कैश। ऐसे लास्ट में जाके 6 करोड़ का बंगला, 4 करोड़ कैश, 4 करोड़ का बंगला, 3 करोड़ कैश, 3 करोड़ का बंगला, 2 करोड़ कैश, ये सारे ही मिलेंगे 33 करोड़ के रिवार्ड। तहलका मचा देंगे दुनिया में, तहलका। इसके बाद कंपनी टूर देती है, लाइफस्टाइल एंजॉय करो, ट्रेनिंग मिलो, लाइफस्टाइल एंजॉय करो। इंडिया में 4 टूर है हर 3 महीने में, जनवरी से मार्च,
अप्रैल से जून ऐसे, तो मात्र आपको 3000 सीसी लेफ्ट 3000 सीसी राइट में करना 3 महीने में। मेरे दोस्त अगर दो बार एग्जीक्यूटिव बन गए, 4000 सीसी मैचिंग हो गया, आ गया ना टूर, मेरे 2 टूर क्वालिफाई हो भी गए इंडिया के, अभी मेरे को 6 महीने नहीं हुए स्टार्ट किए हुए, राइट। तो ये एक रात 2 दिन का प्रोग्राम होता है 5-स्टार होटल में, वहां पे एनडीबी ट्रेनिंग भी होती है और 5-स्टार होटल में लाइफ स्टाइल एंजॉय भी करो, खाओ पियो मस्ती करो। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी इंडिया में 2 टूर देती है, वो एशिया के टूर है, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, साल में 2 टूर ये मिलने हैं। उसके लिए 45,000 सीसी की मैचिंग चाहिए 6 महीने के अंदर। भाई साहब मेरा फरू में ये भी हो गया, इतना इजी है यार, सिर्फ 65 साल का हूँ, 65 का नहीं 16 साल का यंग लड़का हूँ, एनर्जी ऐसी है, दिमाग यंग है, सोच है, तो मेरा ये टूर भी हो गया एशिया का। और अगला नेक्स्ट टूर है, ये 3 नाइट 4 डेज का होता है, सारा खर्चा कंपनी का। फिर एक साल में एक टूर मिलता है यूरोप का, सिंगापुर, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, ये टूर मिलता है 7 नाइट 8 डेज का इंटरनेशनल टूर। कंपनी कहती है मेहनत करो, एंजॉय करो लाइफ ना, हम पैसा कमाते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, फुर्सत नहीं है, शादी में जाने का समय नहीं है, तो खुशी गमी में जाने का समय नहीं है, बिना बिना बिजनेस। कंपनी कहती काम भी करो, एंजॉय भी करो ना, एंजॉय लाइफ एंड लाइफ स्टाइल दोनों चीजें। और इसके बाद अब नेक्स्ट रैंक आ जाता है कि आपको इंडिया में जितने टर्नओवर है, एक रैंक उसे कहते हैं रीजनल एलीट एग्जीक्यूटिव, जो गुरतेज जी अचीव कर गए थे 1.5 साल के बाद, तो उस पे कंपनी सारे इंडिया के टर्नओवर का 2% देती है। रिलेटिव्स की पहले साल की टर्नओवर 15 करोड़, दूसरे साल की 130 करोड़, तीसरे साल की 350 करोड़ से ऊपर है, और इसका 2% भी 7 करोड़ रुपया निकाल दिया। इस रैंक में इंडिया में जितने 5 से 10 लोग हैं उनको मिलेगा 50 से 70 लाख रॉयल्टी अलग है, और 2% ग्लोबल रॉयल्टी है, अभी ग्लोबल तो लॉन्च ही नहीं हुआ, तो जब होगा वो रॉयल्टी भी मिलेगी। ये सब कुछ है, तो करना क्या है, लर्न लर्न लर्न, फॉलो फॉलो फॉलो, एक्ट एक्ट एक्ट। तो करना क्या है, फ्यूचर रेंटस एक बहुत बड़ा फ्यूचर है, तो आपको रेंटस के अंदर करना क्या है, सबसे पहले आपने अपनी अपलाइन के साथ बैठ के अपने जूम लिंक डाउनलोड करवाना है, क्योंकि आप अभी जूम में बैठे हो, इसका मतलब आपका जूम लिंक डाउनलोड हो गया यूट्यूब वाला भी। दूसरा, आपने अपने कॉन्टेक्ट में से एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, कम से कम 250 लोगों की, ये 2, 3, 4, 5 भी हो सकती हैं। ये जूम ब्रॉडकास्ट में आपको जो वीडियो है हमारे रिजल्ट की, आपने डेली एक वीडियो भेजनी है, फिर आपने ब्रॉड स्टेटस के ऊपर वीडियो डालनी है, फेसबुक के ऊपर वीडियो डालनी है, अपनी अपलाइन के साथ बैठ के एक नीड लिस्ट बनानी है कि मेरे को 2 महीने में ये चाहिए, 4 महीने में ये, 6 महीने में ये। फिर आपने ड्रीम लिस्ट बनानी है कि मैंने ये सपने पूरे करने हैं। ये सारा करने के बाद फिर आपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है। आज से 10 साल पहले हम पहले लिस्ट बनाते थे आदमी की, प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी, तुम पहले अपने लोगों की लिस्ट बना। नो, बदल गया है, डिजिटल मार्केटिंग आ गई है, पर्सनल कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जूम पे काम होता है तो डिजिटल पे काम करो, सारे मोबाइल में टिकटॉक टिकटॉक भेजते रहते हो, अब कायदे का काम कर लो, जो यंग लड़के वेले बैठे हैं इस पे काम में लगा दो ना उसको, फोन पे तो काम करना है। तो ये जो है, पहले ब्रॉडकास्ट बनानी है, जूम में बनानी है, फेसबुक में वीडियो बनानी है, वो बनानी है, उसके बाद उसकी नीड लिस्ट बनवाओ कि तेरी जरूरतें क्या है, 1 साल के अंदर 2 साल हो गए तेरे को ये इसको पोस्टपोन कर रहा है, करता हूं पैसे आएंगे, पैसे आ रहे हैं ना, पहले लिख कि मेरे को 30 जून तक ये चाहिए, मेरे को 10,000 का ये चाहिए, 5,000 का ये चाहिए, लिख उसकी फोटो बना, उसके बाद उसकी ड्रीम लिस्ट बनाओ कि अगले 2 साल में 5 साल में क्या चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए। फिर उसकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ मोबाइल में कि कितने 50 लोगों की लिस्ट निकाल जिनसे हमने बात करनी है, ये अलग चीज है, बाद में काम करना सारा। तो सिस्टम बदल गया है, इसको सीखो सीखो, ये एक वेव है। मेरा टारगेट है दिसंबर 2021 तक मैंने 50 लाख महीने की इनकम अर्न करनी, ये मैंने लिखा भी है और 100 लीडरों को मोबाइल में व्हाट्सएप भेजा 3 बार पिछले 1 महीने में, 3 बार मैसेज भेजा कि मैंने दिसंबर 2021 तक 50 लाख महीने में पहुंचना है, और 2 बार ये भी मैसेज भेजा कि दिसंबर 2022 में मैंने 2 करोड़ महीने की इनकम में पहुंचना, ये रेंटस में पावर है 2 लाख महीने, 2 करोड़ महीने पहुंचने की, और दिसंबर 2025 तक मैंने 100 आदमियों को, 100 लीडरों को 25 लाख महीने पे लेके जाना है, ये भी मैसेज भेजा है।
मेरे को खुशी हुई हमारे एक जेंटलमैन है चंडीगढ़ से मिस्टर अवतार सिंह मैथपुरी, 22 साल से डायबिटीज से पीड़ित थे, फैमिली सारी डायबिटीज बहुत प्रॉब्लम थी, 3 महीने में इनकी एच बी एवं सी 9.5 से 7.4 आ गई, फोर सेहत अच्छी हो गई, काम शुरू किया, पिछले हफ्ते एग्जीक्यूटिव बन गए हैं। एक दिन मेरे को उनका मैसेज आया 3 दिन पहले कि डॉक्टर साहब मैं अपनी टीम में से 25 लोगों को 25 लाख में लेके जा रहा हूँ दिसंबर 25 तक। मैं कहा यार ये मेरा गोल था, कहते बढ़ा लो। मैंने फिर अपने 25 के गोल को 100 कर दिया, तो 2025 तक 25 लोगों को 25 लाख महीने में लेके जाना मेरी टीम के ड्रीम है, मैंने ट्रांसफर कर दिया उनके अंदर। अब मेरा टारगेट है कि मैंने 100 लोगों को 25 लाख महीने में लेके जाना 2025 तक। वो जो सीखने को तैयार है, वो जो अपना प्राइम टाइम रेंटस को देना चाह रहे हैं, रेंटस वेलनेस एक वेव है, एक फिनोमेना है, एक विचारधारा है, और ये कुछ भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। यस मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, पैसा पेड़ों पे लगता है, वो पेड़ मैंगो सीन का है, वो पेड़ हमारा कैरी का, सब कुछ का है। एक मैं आपको विजन और बता दूं कि हमारी रेंटस कंपनी ने जब शुरू किया था इनका एक ऑफिस था, अभी इनके 3 ऑफिस हो गए हैं, कलकत्ता, सिलीगुड़ी और हैदराबाद में, और 2 इनकी फैक्ट्रीज हो गई हैं। कंपनी ने 120 एकड़ जगह ली है उड़ीसा में, वहां पे ये ग्रीन हाउस रेपी के थ्रू मैंगोस्टीन यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं, एल्डरबेरी, रसबेरी, जो जो भी फ्रूट्स यहाँ तैयार हो सकते हैं तो ग्रीन हाउस कल्टीवेशन में ये यहाँ तैयार करने जा रहे हैं। वहां पे इन्होंने 200 लीडर्स का एक ट्रेनिंग हॉल बनाया है, एक रिजॉर्ट बनाई है, जहां पे हर स्टेट से 10-10 लोग जाएंगे, क्वालिफाई करके जाएंगे, और वहां पे 2 नाइट 3 डे रुकेंगे। वहां पे 2 दिन नेचर एंजॉय करोगे, आप हाथों में तोड़ के मैंगोस्टीन खाओगे, फ्रेश चेरी खाओगे, टेस्ट करोगे, और वहां 2 दिन रुकोगे नेचर के साथ। ये मेन हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर जंगल के अंदर है, या क्या नजारा आएगा वहां जाएंगे तो, क्या 5 स्टार को भूल जाओगे वहां जाके। तो कंपनी ने 120 एकड़ जगह ली है जहां की पिछले 6 महीने से डेवलप हो रही है। कंपनी की विचारधारा बहुत आगे तक है कि हमने लोगों को स्वस्थ करना है। गुरतेज जी इतना कमा रहे हैं पर डाउन टू अर्थ है। ये कहते हैं सच का व्यापार है, ईमानदारी का व्यापार है, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं निकालनी, सच बोलना है, सपोर्ट जितनी कर सकते हो पकड़ो, वरना को भाई साहब दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर ले। तूने मेरे साथ 2 महीने पहले ज्वाइन किया था, तेरे को तसल्ली नहीं हुई, मेरे को रीजन बता दे, नहीं तो अपनी रिक्वेस्ट ले आया, मैं लिख देता हूं कि भाई साहब मेरे को कोई तराज दूसरी लेग पे जाना चाहता जाए। मेरी भी यही पॉलिसी है कि कोई आदमी मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है, मेरे को बोल दो डॉक्टर साहब आपकी सर्विसेज, आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपकी ट्रेनिंग, आपकी सपोर्ट मेरे को पसंद नहीं आई, मैं गलती से फंस गया, मेरे भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी रिक्वेस्ट लेके ले आ, मेरे से लिख दे, मैं गुटिया जी को फोन कर दूंगा कि इसको भाई साहब किसी और लेग में डाल दो, यहाँ पे ये खुश होता है। मेरे दोस्त स्वस्थ रहे, तेरा परिवार स्वस्थ रहे, पैसा कमा कहीं से भी कमा, मैंने अपना भाग्य खाना है, मैं तो उंगली पकड़ने को तैयार हूं, अगर पकड़ा दो तो ठीक है, मैं किसी और के पकड़ूंगा। मेरा तो टारगेट क्लियर है, दिसंबर 2022 2 करोड़ रुपया पर मंथ, और 2025 तक 50 करोड़ की टोटल इनकम, छोटा सा टारगेट लिया है मैंने। उसके लिए मैं अपने को तराश रहा हूं, अपने को मैं लर्निंग कर रहा हूं, अगर मैं लर्निंग करके कर सकता हूं तो आप भी तो कर सकते हैं। रेंटस कुछ भी दे सकती है आपको, डेंटिस्ट की जो प्लानिंग है, जो भावना है, ये कुछ भी हो सकता है। मनी ग्रोज ऑन ट्रीज इन रेंटस, और आपको हमने वहां लेके जाना है। कंपनी की 550 फ्रेंचाइजी है, 100 करोड़पति बन गया है, इतने लोग टूर पे जाने को तैयार बैठे हैं। तो प्लान डिफरेंट है, प्रोडक्ट डिफरेंट है, सोच डिफरेंट है, एटीट्यूड डिफरेंट है, तो हम क्यों ना करें इसको। तो मेरे दोस्त, मेरे प्रभु सभी को समत बख्शो, वो रेंटस की गहराई को पहचाने, रेंटस की स्पिरिट को पहचाने, इसके प्रोडक्ट को पहचाने, इसके बिजनेस को पहचाने, ईमानदारी से लोगों को अच्छी सेहत दें, अच्छी सेहत देने के लिए एफर्ट्स करें, और अपने घर की व्यवस्था दिशा बदले ताकि दशा बदल जाए, और जो उनके सारे नीड्स हैं, जो सपने हैं, परमात्मा उनको पूरे करे, गुड हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस दे। और जो हमारी जीएसके की मिशन है, 1 मिलियन स्माइल है, प्रभु मेरे को समत दो, मेरे को हिम्मत हौसला दिलेरी दो, ताकि मैं 10 लाख लोगों की सेहत 2025 तक ठीक कर सकूं, फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।